मैंने तो जैसे कहा कि आई एम एबल टू बैट एट एनी नंबर, जो जहाँ पे लोग बोलेंगे, मैंने कोच कैप्टन सबको बोल के रखे कि आप कोई भी नंबर पे खिला दो, बस खिलाओ मुझे। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। आज ट्विटर पर कास्टिस्ट बीसीसीआई ट्रेंड कर रहा है। सूर्य कुमार और संजू सैमसन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं दिलीप मंडल। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले वनडे मैच के लिए सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन का चयन नहीं किया है। दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव को भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर रखना बीसीसीआई की जातीय भेदभाव की मानसिकता को जगजाहिर करता है। बीसीसीआई को अपनी इस घोर मनुवादी मानसिकता में सुधार लाने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, एक बार फिर से अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में द्रोणाचार्य ने एक लब्बे का अंगूठा मांग लिया। बीसीसीआई का कहना है कि सूर्य कुमार यादव को आराम दिया गया है। वहीं जो मूर्ख खुद कह रहे हैं कि उन्होंने खुद आराम मांगा है, उनको सूर्य कुमार का ये बयान सुनना चाहिए। मैंने तो जैसे कहा कि आई एम एबल टू बैट एट एनी नंबर, जो जहाँ पे लोग बोलेंगे, मैंने कोच कैप्टन सबको बोल के रखे कि आप कोई भी नंबर पे खिला दो, बस खिलाओ मुझे। जो खिलाड़ी खेलने के लिए इतना उत्साहित है, वह आराम मांगेगा क्या? जिस प्रचंड फॉर्म में ये खिलाड़ी इस समय है, उसमें इसको टीम से बाहर करना मतलब इसकी लय को तोड़ने का प्रयास करना है। ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनको लगातार ढोने की क्या वजह है? वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि बीसीसीआई सुन लो, एससी एसटी ओबीसी सिर्फ ताली बजाने, तुम्हारे मैच देखने और तुम्हारा टीवी एड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री को ये बात समझ में आते आते उसका हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। तुम भी अपना देख लो, हम मैच नहीं देखेंगे तो बर्बाद हो जाओगे, कास्टिस्ट बीसीसीआई। भाई एक दूसरे ट्वीट में दिलीप मंडल जी लिखते हैं कि एक ही जाति के साथ साथ खिलाड़ी रखते हो और कप वगैरह कुछ लाते नहीं हैं। सूर्य कुमार यादव को बिना वजह बाहर कर दिया, संजू सैमसन भी बाहर, बीसीसीआई शर्म करो। फेसबुक यूज़र सूर्य यदुवंशी ने एक पोस्ट में लिखा है कि बीसीसीआई लंगड़े घोड़ों को बैसाखी देकर दौड़ा रही है और रेस के घोड़ों के आगे कांटे फेंक रही है। संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव इसका बेहतरीन उदाहरण है। ट्विटर पर निगम प्रवीण लिखती हैं कि क्यों सूर्य कुमार यादव को बाहर रखा गया, ये जानकर आपको हैरानी नहीं हो रही है? क्योंकि ये गेम दशकों से खेला जा रहा है, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में रही है। वो सूर्य जो लगातार चमक रहा है, उसे अगले टूर्नामेंट में बाहर कर दिया गया है। जानते हो क्यों? कास्टिस्ट बीसीसीआई। वहीं कुछ अंबेडकरवादी ने लिखा है कि अर्जुन महान बन सके, इसलिए एकलव्य का अंगूठा काटना जरूरी है, वरना एकलव्य के आगे अर्जुन की मेरिट धरी की धरी रह जाएगी। केएल राहुल, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा जैसों को महान बनाना है तो सूर्य कुमार यादव को तो टीम से बाहर बैठाना ही पड़ेगा। बहरहाल सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को इस वक्त टीम में जगह ना मिलना बीसीसीआई के चरित्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।